सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कोरोना पॉजिटिव को कैसे कोरोना नेगेटिव में बदलें। यदि कोरोना का संक्रमण हो जाए तो आप क्या करें कि जल्द से जल्द आप उस संक्रमण से निकलें, आप वापस स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। इसके लिए सबसे पहले कुछ साइंटिफिक बातों पर हमें गौर करनी है। जब भी कोई संक्रमण होता है तो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल बंद हो जाती है। आप कभी भी देखिए, कोई भी संक्रमण, नॉर्मल H1N1, इन्फ्लुएंजा, कोई भी वायरस बैक्टीरिया का संक्रमण जब होता है तो लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक हो जाती है और राइट नोस्ट्रल हमारी चलने लगती है। ये पूरा नाड़ी विज्ञान है। हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम नाड़ी करती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का सर्कुलेशन, वो नाड़ियों का ही काम है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा इन दो मुख्य नाड़ियों से ही संचारित होती हैं, इंडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। इंडा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो जब भी कोई संक्रमण होता है तो हमारी इंडा नाड़ी ब्लॉक हो जाती है और पिंगला नाड़ी हमारी काम करने लगती है, और ऐसा ही होना चाहिए। जब आपकी पिंगला नाड़ी, आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी काम कर रही है। संक्रमण के खिलाफ आपका शरीर फाइट कर रहा है, उसको दूर कर रहा है। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर भी आप अपना उत्साह, हौसला बनाए रखें और सबसे पहले अपने नाड़ी चेक करें। यदि आप देखेंगे कि आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही है, राइट और लेफ्ट ब्लॉक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर का नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया से, कोरोना COVID-19 का वायरस हो, कोई भी वायरस हो, उससे शरीर को बचाने के लिए हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार रहता है और वो अपना कार्य करता रहता है। तो शरीर को अपना कार्य करने दें, हमें उसका सहायक बनना है। जो राइट नोस्ट्रल हमारी चल रही है, हमारी जो सूर्य नाड़ी काम कर रही है, शरीर में एक उष्णता हमारे शरीर में निरंतर बना रही है, उसे हमें बढ़ाना है। तो योग में आज मैं आपको कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिनको करने से आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव में बदल जाएगी, और बहुत जल्दी। ये काम 3 से 7 दिन के अंदर भी संभव है, यदि आप पूरे विश्वास से इन योग के अभ्यासों को करेंगे। और बहुत सरल अभ्यास हैं, सभी को करने हैं। जो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो ज़रूर करें। कैसे करना है? सबसे पहले सूर्यभेदी प्राणायाम आपको करना है। सूर्यभेदी प्राणायाम में आपको अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनानी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है, राइट से श्वास को लेना है, राइट नोस्ट्रल हमारे सूर्य नाड़ी से श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना है, बहुत धीरे धीरे, नाड़ी पर पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हुए, हमारे स्पाइन के राइट साइड सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी इसको कहते हैं। फिर बंद लगाएंगे। जब बंद लगाएंगे तो जालंधर बंद, पहला गर्दन को नीचे झुकाओ इस प्रकार से, और मूल बंद NS भाग को ऊपर की ओर खींचे। शक्ति का अनुभव करो अपने शरीर में। फिर धीरे धीरे लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रल आपकी ब्लॉक है तो छोड़ने में आपको बहुत सहजता रखनी है। धीरे धीरे छोड़ो। फिर राइट से श्वास लेना, ध्यान से समझें इस प्राणायाम की विधि को, ठीक से करना है। बंद लगाएं, जालंधर बंद, गर्दन को थोड़ा नीचे की ओर हल्का नीचे झुकाना है, गले की मांसपेशियों में पूरा एक संकुचन उत्पन्न करें। मूल बंद NS भाग को अपने मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचे, नाभि से नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींच लीजिए। लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना। सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास आपने देखा। सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी जो राइट नोस्ट्रल चल रही थी, एक्टिव थी,
उसको सपोर्ट मिलेगी। और शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आपके ज़्यादा दिन टिक ही नहीं पाएगा और आप जल्दी ठीक होकर घर लौटेंगे। बंद ठीक प्रकार से लगाना है गले को, जब जालंधर बंद लगाएंगे तो गले की मांसपेशियों को पूरा सिकोड़ेंगे, जिससे हमारी जो गले में इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, जो हमारी टॉन्सिल ग्रंथि है जो फाइट करती है किसी भी संक्रमण से, वो भी इससे हेल्दी होगी। तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास 7 मिनट से प्रारंभ करके 21 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव होगा आपके कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बदलने में। दूसरा प्राणायाम आपको करना है उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम भी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके जो गले में हमारे जो ग्रंथियाँ वायरस के इन्फेक्शन से फाइट कर रही है उनको सपोर्ट देगा। तो उज्जायी प्राणायाम में आप कैसे करेंगे, पूरा ध्यान अपने गले के ऊपर फोकस करते हुए गले को संकुचित करना है, खींचना है गले को, सिकोड़ना है और श्वास को नासिका से धीरे धीरे अंदर भरना है। बंद लगाएंगे जालंधर बंद और मूल बंद, वापस उसी प्रकार से दोनों बंद। बंद हटाएं, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को छोड़ो, बहुत धीरे धीरे। फिर से वापस इसी प्रकार से गले को सिकोड़ते हुए श्वास को लेते हुए एक आवाज आपके गले से उत्पन्न हो, जैसे कबूतर एक आवाज करता है अपने कंठ से, इसी प्रकार से आपको एक आवाज उत्पन्न करनी है। इससे घर्षण होगा आपके पूरा गले के भाग में। तो जिनको गले में दर्द है, कोरोना का संक्रमण होने पर गले में दर्द, फीवर, और जब संक्रमण बढ़ने लगता है तो पूरा कंजेशन हो जाता है, पूरा लंग्स जकड़ जाता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो इसके लिए ये अभ्यास बहुत ही सहायक है। ये दोनों अभ्यास आप ज़रूर करें। उज्जायी प्राणायाम आप कम से कम 11 बार ज़रूर करें, श्वास लेना इस प्रकार से रोकना, फिर उसको राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना। तो ध्यान से आप इनको देखें और फिर इसका अभ्यास करें। तो ये दोनों प्राणायाम आपको करने हैं योग में। अब इन प्राणायामों के साथ में यदि आपके नोज बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, बिल्कुल भी आप श्वास छोड़ने में सक्षम नहीं है, तो करना क्या है, आपको पहले स्टीम लेनी है। स्टीम लें थोड़ा, 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक अच्छे से मुंह से श्वास लेके नाक से छोड़ें। स्टीम लेते समय नाक से श्वास ले, मुंह से छोड़ें, और फिर आप अपने नाक में षडबिंदु तेल या अणु तेल, या आप घर में सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो तेल 4-4, 5-5 बूंद दोनों नाकों में डालें, उसको अंदर की तरफ खींचें। जब तेल आपका मुँह में आ जाए, गले में आ जाए, तो उसको बाहर निकाल दें। फिर से आप स्टीम लें, फिर से आप तेल डालें, फिर से उसको बाहर निकालें, और फिर अच्छे से नमक के पानी के गरारे करें, आप खूब अच्छे से गरारे करें। तो इस विधि को आप यदि अपनाएंगे पहले और उसके बाद प्राणायाम करेंगे तो थोड़ा नोज आपकी खुल जाएगी। और वैसे भी स्टीम आपको दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम। ये जो COVID-19 में जो इसका ज़्यादा इन्फेक्शन का जो जोर रहता है, वो सुबह और शाम को ज़्यादा आपको परेशान करता है, श्वास लेने में ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तो दोनों समय आप स्टीम लें, गार्गल करें। गार्गल दिन में भी आप करते रहें, 4 से 5 बार आप गार्गल करें जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और यदि कोई सिम्टम्स आपको लग रहा है, स्टार्टिंग में ही आपको लग रहा है कि कुछ संक्रमण होने के चांसेस आपको बढ़ रहे हैं, तो आप गार्गल और स्टीम लेना शुरू कर दें, नाक में ऑयल डालें, और ये प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। अन्यथा जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हमने जो वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखें यूट्यूब पर, योग गुरु राजेश चैनल पर, आप उसमें कुछ प्राणायाम बताए हैं जो कोरोना होने से पहले आप कर सकते हैं, लेकिन कोरोना यदि हो गया तो आप इन दो प्राणायामों को करें। विशेष तौर पर 7 मिनट से 21 मिनट तक आप सूर्यभेदी का अभ्यास करें और 11 बार कम से कम उज्जायी प्राणायाम दिन में दोनों समय करें, सुबह और शाम, तो आप जल्दी ही ठीक होंगे। साथ में आपको करना है अपने आहार में चेंज। आयुर्वेद कहता है कि लंघनम परम औषधिम, लंघन परम औषधि है, तो आपको लंघन करना है। जब भी कोई संक्रमण होता है तो पूरा ब्लॉक होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो कफ बढ़ने लगता है। बेसिकली
संक्रमण होने पर कफ प्रकुपित होता है, दूषित होता है और आपके पूरे शरीर में ब्लॉकेज पैदा करने लगता है, तो आपको लंघन करना है। कफ वर्धनम तो लंघनम, तो लंघन कैसे करना है, आपको शुरू पहले 3 दिन बिल्कुल भी सॉलिड फूड ना लें, आप रोटी चावल सब बंद कर दें। आप पहले दिन आप पूरी तरह से लिक्विड डाइट पे आ जाएं। लिक्विड डाइट में आप कम से कम 7 गिलास नारियल, 7 नारियल पानी पिए आप दिन में, और साथ ही आप मौसमी या आप अनानास का जूस पिए और गर्म पानी, तुलसी डालकर गर्म पानी रख लें। गर्म पानी को आप पीते रहें दिन भर में, उसका प्रयोग करें। थोड़ा काली मिर्च दिन में 1-2 बार चूस लें तो आपको ये बहुत फ़ायदा होगा। तो 3 दिन तक आप हो सके तो लिक्विड डाइट पर रहें, लेकिन आपको पहले दिन तो लिक्विड ही डाइट रखनी है। दूसरे दिन आप मूंग की दाल का सूप बनाकर दोपहर में, लंच में आप ले सकते हैं। रात के समय आप गुनगुना पानी पिए तुलसी डालकर, और रात के समय आप हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहले दिन तो आपको लिक्विड पर ही रहना है, लिक्विड डाइट, लिक्विड जितना पानी हो सके उतना पानी पिए, जूस पिए, नारियल पानी पिए। दूसरे दिन आप मूंग की दाल का सूप बना लें, सेंधा नमक डालें उसमें, थोड़ा काली मिर्च डालें और उस सूप को आप पी सकते हैं दोपहर के लंच में। रात के समय भी आप या तो मूंग की दाल का सूप लें हल्का, या हरी सब्जी उसमें काली मिर्च आप ज़रूर डालें, थोड़ा सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, 2 चुटकी सौंठ भी ज़रूर डालें उसमें। तो और नारियल पानी आपको पीना है, मौसमी का या अनानास का जूस भी आपको पीना है। दूसरे दिन आपको कम से कम 5 नारियल पानी, 5 मौसमी गिलास और सामान्य गर्म पानी आपको पीते रहना है। तीसरे दिन आपको पूरे दिन में 5 नारियल पानी, 5 मौसमी का गिलास या अनानास का सिट्रस फ्रूट, जो विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, उसको बिना छाने पीना है, ये पीना है, गर्म पानी पीते रहना है। और रात्रि में आप मूंग की दाल का सूप लें या हरी सब्जियाँ लें। 3 दिन तक तो ये आपको करना ही चाहिए। 4th दिन से आप दोपहर में लंच में एक रोटी ले सकते हैं और मूंग की दाल लें, या मसूर की दाल, जो लाल वाली दाल है उसको आप ले सकते हैं, और हरी सब्जियों का आप प्रयोग करें, कच्चा सलाद आप खाएं 4th दिन। इस प्रकार से आप 7 दिन तक यदि इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे, कोई भी संक्रमण आपको अधिक दिनों तक प्रभावित नहीं कर सकेगा। तो ये सब आपको करना है, और साथ में सोने का तरीका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में काम करेगा आपके। आपको सोते समय लेफ्ट करवट सोना है। जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं, जो नोस्टल आपकी ब्लॉक है उसी साइड आप सोएंगे, तो आपकी राइट नोस्टल और ज़्यादा एक्टिवली काम करने लगेगी। तो आपको सोते समय ध्यान रखना है, लेफ्ट करवट सोना है ताकि आपकी राइट नोस्टल और ज़्यादा एक्टिव हो और आप जल्दी संक्रमण से बाहर आए। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें, नेति का अभ्यास करें। आज जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो COVID-19 के पेशेंट के साथ रहते हैं, उनके बीच उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सुबह शाम नेति करते हैं। नेति करने से वो देख रहे हैं कि वो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने रूल्स बनाया है कि उस अपने पूरे स्टाफ को जो COVID-19 में काम कर रहे हैं, नेति कराते हैं, सुबह शाम कंपलसरी है, काढ़ा पीते हैं। तो औषधि आप कुछ भी लें, मेडिसिन में मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा कि आप आयुर्वेद लें, आप एलोपैथी लें या होम्योपैथी लें, आप स्वतंत्र हैं। आपका जो विश्वास है, जहाँ विश्वास है आपका, जिस पैथी में विश्वास है, आप वही औषधि लें, क्योंकि जहाँ आपका विश्वास होता है वही दवाई आपके शरीर में काम करती है। तो अपने अनुसार आप खुद विचार करें कि आपको, आपके लिए क्या उपयुक्त है। आपको विदाउट साइड इफ़ेक्ट के औषधियों का प्रयोग करना है, जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, उसमें आप जाएंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपके बॉडी में। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की सहायता चाहता है तो दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और उसमें अपने इन्फॉर्मेशन फिल करें, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। और इसके लिए हम कोरोना पॉजिटिव जो हो गए हैं उनके लिए एक योग का एक स्पेशल सेशन करा रहे हैं, तो उसमें भी आप भाग लें और आप जल्द से जल्द
कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हूँ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि पॉजिटिव होने पर व्यक्ति घबरा जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझता। तो ये वीडियो शायद कुछ लोगों के जीवन में उनको एक रास्ता दे, एक उनको पॉजिटिविटी दे। और प्राणायाम के साथ साथ आप ध्यान ज़रूर करें, ध्यान में पॉजिटिविटी लाएं, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को निकालें, अपने विचारों में क्लीनिंग करें, तो इनको भी आप ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप जल्दी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।